जेन क्वीन है वो, भाई रोते को हंसना जानती है वो, किस तरह से हंसाना है हर एक रोते इंसान को, उनसे बेहतर ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। यकीनन समझ गए होंगे आप कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीवी टाउन की कॉमेडियन क्वीन और अपने हसमुख के लिए जाने जाने वाली भारती सिंह के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं भारती सिंह को लेकर। भारती सिंह टीवी टाउन से लेकर बड़े पर्दे तक जानी जाती है, मगर कहते हैं ना कि कई बारी आपका चुलबुलापन जो होता है, कई बारी जो आप चीजें करते हैं, शायद वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आती। पहले तो आपको बता दें कि भारती के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज है और वो ये है कि शादी के बाद भारती के पति यानी कि हर्ष जो है कलर्स पे एक नया शो लेकर आ रहे हैं, खतरा खतरा और खतरा। जी हाँ, इस नाम से ये शो कलर्स पे आएगा और जहां पर खतरों के खिलाड़ी के ही कुछ कंटेस्टेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब ऐसे में जहां पर इस शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई तो वहीं पर ऐसी चीजों को देखा गया जिसे देखने के बाद यकीनन होगी आप सभी को हैरानी। दरअसल यहां पर देखा गया कि भारती सिंह जो है जिस तरह से वो मीडिया से रूबरू हुई, पहले उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया, वो मस्ती मजाक में हर्ष को गले लगाने लगी, मगर अचानक ही ना जाने हर्ष को क्या हो गया जो उन्होंने मीडिया के सामने ही भारती को हल्का सा धक्का देकर पीछे किया। अब आप देखिए हमारे इस वीडियो में कि यहाँ पर भारती और हर्ष की ना चाहते हुए भी वैसी फोटोज या फिर यूं कहें कि ऐसे पल सामने आ गए हैं जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि शायद हर्ष अब इरिटेट हो रहे थे। देखिए आप हमारी ये खास वीडियो। टीवी टाउन की कॉमेडियन क्वीन यानी कि भारती सिंह जो अपने हर एक जोक से रोते हुए को हंसा देती हैं, उनमें कला ही कुछ ऐसी है कि शांत माहौल में भी वो रंग भर देती हैं और हर एक इंसान हंसने और खिलखिलाने लगता है। मगर भाई कई बारी ऐसा हो जाता है कि आपका यही हंसी मजाक आपके पार्टनर को ज्यादा पसंद नहीं आता। दरअसल आपको बता दें, पहले तो भारती सिंह के चाहने वालों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है और वो ये है कि भारती सिंह के पति यानी कि हर्ष जो है कलर्स टीवी पर नए शो को लेकर आ रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर। जी हाँ, आपको बता दें कि भाई हर्ष जो है खतरा नाम के इस नए शो को लेकर आ रहे हैं जहां पर खतरों के खिलाड़ी के कई कंटेस्टेंट्स को आप यहां पर स्टंट करते देखेंगे। हालांकि इस शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा अनोखा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शो में जो स्टंट होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे खतरों के खिलाड़ी से। ऐसे में हाल ही में यहां पर खतरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, लॉन्च रखा गया जहां पर तमाम कंटेस्टेंट्स को यहां पर देखा गया और पति की खुशी में शरीक होती दिखी भारती सिंह। मगर यहां पर जब हर्ष और भारती मीडिया से रूबरू हुए तब उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, तमाम घर की चीजें खोली, तमाम घर के राज खोले, मगर ऐसे में यहाँ पर देखा गया कि भारती की हरकतों से पति हर्ष इरिटेट होते दिखे। जैसे ही यहाँ पर भारती हर्ष को गले लगाती है तो हर्ष हाथों से उन्हें दूर करते देखे गए। जो वाकई ही काफी ज्यादा शॉकिंग लगा। कहीं ना कहीं ऐसा अक्सर हो जाता है कि हमारा चुलबुलापन हर किसी को पसंद आए ये जरूरी नहीं होता। हम ये तो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मगर कई बारी हमारे पार्टनर ही हमसे इरिटेट हो जाते हैं। और ऐसे में आप यहाँ पर पूरी वीडियो में देखिएगा किस तरह से जब भारती हर्ष को गले लगाती है तब हर्ष उन्हें हाथों से पीछे करते हैं और उनके चेहरे की जो इरिटेशन है वो बिल्कुल साफ यहाँ पर झलकती दिखी। अब आप देखिए हमारी ये वीडियो जहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से मौज और मस्ती तो चली मगर भारती और हर्ष के बीच की जो कुछ अनकही ट्वीनिंग है वो यहाँ पर कैमरों में कैद हो गई। देखिए आप हमारी ये खास वीडियो। मिलकर रहो ठीक है। रोज मत कर यार, क्या कर रहे हो यार। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मैम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा इधर आओ तो इनका क्या करें। मैम ठीक है, इतने चलाक होते हैं। तो आप कहना चाहेंगे
ओके बट कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू शो खतरा 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 आखिर है क्या लोगों में कुछ अलग ही आ चुका है कि कुछ खतरा है क्या खतरा है इनकी भी हंसी निकल के पूछते हैं भाई एक्चुअली खतरा खतरा यानी कि जैसे कि पहले खतरों के खिलाड़ी था वैसे ही खतरा 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 है मतलब इसमें जान का खतरा नहीं भाई इसमें शान का बहुत खतरा है क्योंकि ये शो एक ऐसा शो है जिसमें एक दूसरे की ऐसी वाट लगाने वाले हम सब कि मतलब ऐसा शो आपने कभी टीवी पे नहीं देखा होगा कि जहाँ पे सीरियसली एक दूसरे की वाट लग रही है थप्पड़ पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे मुक्के पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे और जो भी हम लोग एक दूसरे को सजा देने वाले हैं वो भी सीरियसली देने वाले हैं। अच्छा हर्ष आपका एक कॉन्सेप्ट है आइडिया कहाँ से आई शो बनाने का? आइडिया एक्चुअली बहुत टाइम से दिमाग में घूम रहा था कि यार बिकॉज मैं इतने सारे नॉन फिक्शन शोज लिख चुका हूँ तो सब में मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि फॉर्मेट बिकॉज फॉर्मेट में हम राइटर्स कभी फॉर्मेट में रहते ही नहीं हम बिकॉज हम रात तक जागते हैं सब उठते हैं तब हम सोते हैं तो ऐसी सब चीज़ें जो हमारी जो लाइफ है उसी टाइप का एक शो है जिसमें कोई फॉर्मेट ही नहीं है सीधा घुसे आए पांच दो तो दोस्तों ने मस्ती की मजा किया और फिर खत्म। ये पूछना चाहूंगा आपसे हंसी मजाक अच्छी बात है लेकिन कभी कभी सेंटिमेंटल भी कोई सिचुएशन होता है तब भी हम हंसी मजाक करते हैं? नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं सेंटिमेंटल हमने इन चीजों का बहुत ध्यान रखा हुआ है क्योंकि हम ऐसा राह चलते किसी भी आदमी के साथ प्रैंक नहीं करते हमने पूरा प्लान किया हुआ सामने वाले को नहीं पता लेकिन बुलाते ही उस बंदे को है कि वो गुस्सा ना करे जैसे कभी मेहंदी वाली को बुला लिया म्यूचुअल फंड वाले को बुला लिया या इनका मेकअप करके इनको सैलून वाला बना दिया तो ऐसे वाले हैं और बाद में जब उनको बताते हैं कि ये प्रैंक्स हैं और भी सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं रूम से बाहर और बताते हैं कि यहाँ पे कैमरे लगे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं फिर हम बोलते हैं सॉरी कोई बात नहीं सेल्फी तो वो सेल्फी लेके खुश हो जाते तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है सो लोग बहुत प्यार करते हैं जब ओरिजिनल देखते हैं भारती जी आप बहुत हंसाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है तब सो ऐसा ही ये शो है और किसी को भी हर्ट करने वाला शो नहीं आप जब देखेंगे आपको तब पता चल जाएगा। ओके भारती मैम आली जी ने कहा कि आपने खतरों के खिलाड़ी में उनका बहुत मजाक उड़ाया अब उनकी बारी है तो क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स बारी तो है भाई उसकी अब पता नहीं अपनी बारी पे वो क्या करता है मुझे बहुत दीदी 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 आप करते दीदी दीदी इतना थूक उड़ाता था अली लेकिन इस शो में है वो मतलब इस शो में उस शो के बदले लेने का भी मौका मिलेगा। हाँ यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि अब मैं ही प्रोड्यूसर हूँ तो मैं किसी एक्टर को कन्वेंस करूँ कि भाई आपको ये करना चाहिए अरे भाई प्लीज़ कर दो मैंने बोला छोड़ो किसको कन्वेंस करना है आ जाओ यार मेरे हाथ पे कर दो और मैंने करवा दिया। आप दोनों साथ में शूट करते हो तो कितनी नोकझोंक होती है प्रोफेशनली होती रहती है तो नोकझोंक तो बिल्कुल नहीं प्यार बहुत है। 10 साल हो गए लिखते लिखते उसके लिए साथ में काम करते करते 10 साल हो गए तो नोकझोंक होनी तो पहले 2-3 साल में हो गई है अब पता ही है ये भी क्या सोच रही है पता ही है मैं भी क्या सोच रहा हूँ और इनको पता चल गया है कि यही ताकतवर है मैं हार जाऊंगा और सेहत भी वैसी है तो ये ज्यादा पंगा नहीं लेती अपनी बीवी से। हर्ष वाकई बड़ा प्यारा पति है बहुत अंडरस्टैंड करता है। मैं हर्ष लेट आऊंगी घर कभी नहीं हर्ष ने बोला क्यों किधर है कहाँ जा रही अच्छा ठीक है कभी कभी मेरे को गुस्सा आ जाता है कि सामने से पूछना कि किधर जा रही है किसके साथ है पूछता ही नहीं है फिर मैं घूमती रहती हूँ। सो बहुत मेहनती है और मुझे बहुत प्राउड है हर्ष पे कि हर्ष का ये पहला शो है जिसे एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर वो कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और मैं दिल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ क्योंकि जब अपना शो होता है अपना बच्चा होता है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए नई चीज़ नहीं है आप काफ़ी समय से ये काम कर रहे हो क्या कहना चाहोगी हाल ही में जो नवजोत सिंह सिद्धू को निकाला गया कपिल के शो से इसके बारे में? भाई मैंने पहले भी मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं क्या कहना है मैं मुझे होता कि मैं क्या कहूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ सुनी नहीं कि सिद्धू जी ने क्या कहा क्योंकि अब मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ जितना भी हम इंस्टाग्राम फेसबुक पर बिज़ी रहते हैं और कभी कभी तो अपना शो भी नहीं देख पाते सो मुझे नहीं पता और अगर है भी कुछ किया भी है या बोला भी है तो वो अलग काम है ये अलग काम है वो काम का इस काम पे नहीं असर पड़ना चाहिए है ना। अभी ऐसा ना हो कि मतलब कोई प्रैंक पूरा लग जाए तो लोग बोले कि भारती ने ये प्रैंक गलत किया तो उसको वो वाले शो से भी निकालो क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं यार हमको माफ़ कर देना चाहिए कि हमारे देश के लिए भी उन्होंने बहुत कभी क्रिकेट खेला है तो आज जब वो नहीं कर रहे तो हम उनके एकदम खिलाफ क्यों हो जाते मुझे लगता है अगर हम ही अच्छे बन जाएंगे ना तो सब अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच 11 तारीख से देखना मत भूलिएगा भाई खतरा 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 कलर्स पे 6 बजे। थैंक यू।